नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से जो किसानों को केसीसी लोन दिया जा रहा है, उस लोन को आपको किस प्रकार से लेना है, साथ में किन किसानों को मिलेगा। मैंने जिस तरह से कि लिखा था कि पहले वीडियो में बताया था कि सभी किसानों को मिलेगा, लेकिन मैं आज बैंक विजिट करके आया हूँ, यानी मैं बैंक गया था, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि किन किसानों को जो है ये केसीसी लोन मिलेगा। साथ ही इसमें बताने वाला हूँ कि अगर आप बैंक जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर जो मैं बैंक जाता हूँ तो मेरा जो मैनेजर है वो बोलता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार का केसीसी लोन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई बोल रहा है कि नहीं देंगे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उनसे बात करनी है और उन्हें किस प्रकार से बताना है कि सर इस प्रकार से ये आया हुआ है केसीसी लोन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। दोस्तों आज थोड़ी आवाज़ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आवाज़ आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। इसलिए तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज जो मैं है बैंक गया था, तो मैं बैंक जाने के बाद मैंने केसीसी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकाली थी जो कि मैं अपने ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं उनसे मैंने बात किया। बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है सभी किसानों को जो है ये लोन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ किसान हैं जिनको ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब वो किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है या किस प्रकार से उन्हें चूज़ किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपके किस प्रकार से पता चलेगा कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है या नहीं, आपको मिलेगा या नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है बैंक गया था, तो बैंक में मुझे पता चला कि यहाँ पे सबसे पहला जो किस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त ले रहे हैं उसी को यहाँ पे लोन मिलने वाला है। बाकी जितने भी किसान हैं, यानी कि जो भी किसान रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं या फिर किसान के डीजल अनुदान लेते हैं या कोई और, उन किसानों को नहीं मिलने वाला है जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में योजना में एक भी किस्त का लिया है, यानी एक भी किस्त लिया है, तभी उन्हीं को मिलने वाला है और किसी को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। साथ में वहाँ से बताया गया कि अब जो है सारे किसानों का सिलेक्शन किया जा रहा है कि किन किन किसानों को कहाँ कहाँ पे लोन मिलने वाला है, यानी कि जो है आपका जिसमें पैसा आता है, आपके पास जितना भी अकाउंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जिस अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है उसी अकाउंट उसी ब्रांच में जाकर उसी बैंक के ब्रांच में जाकर आपको जो है आपका केसीसी का लोन मिलेगा। तो लोन किस प्रकार से मिलेगा, तो यहाँ पर जो है एक लिस्ट बनाया गया है, किसानों का जो है लिस्ट बनाया गया है सभी जो है बैंकों के तरफ से, यानी आपके जो बैंक होंगे उस ब्रांच में भी किसानों का लिस्ट आया होगा, सभी ब्रांच में जो है किसानों का एक लिस्ट आया हुआ है। तो मैं जब आज मिलने गया तो वहाँ पे मुझे जो मैनेजर होते हैं उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे एक लिस्ट बन के आया हुआ है कि हमारे ब्रांच में इतने लोगों को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से केसीसी लोन दिया जाएगा। तो आप भी सबसे पहले ये कीजिए कि आपको जो है अपने बैंक में विजिट करना है, विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे आपके मैनेजर से बोलना है कि सर मुझे जो है वो लिस्ट दीजिए जिसमें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से केसीसी लोन के लिए जो भी आया है किसान का जो नाम आया है वो लिस्ट हमको चाहिए, तो आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपका जो है नाम आप बताइएगा तो वो आपका नाम भी सर्च करके आपको बता दें। दोस्तों मुझे बैंक जाने के बाद ये सारी लिस्ट के बारे में पता चला कि इस प्रकार से भी कोई लिस्ट आया हुआ है। अब इसको पता किस प्रकार से करना है, मैंने मैनेजर से बोला कि सर अब इसके किस प्रकार से मैं पता करूंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं या हो सकता है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जितने भी लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है प्रधानमंत्री केसीसी के लिए या जिनको लोन मिलेगा, उनके जो है मोबाइल नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको है मैसेज गया होगा आपके बैंक के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज नहीं जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने अपने खाते के साथ रजिस्टर किया होगा वही मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज जाएगा। तो ये बात पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे वो मैसेज आया है या नहीं। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि नीचे जो मेरा बैंक का नाम है वो अलग है और आपका बैंक का नाम अलग हुआ, तो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। दोस्तों जिस तरह से कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसी प्रकार से आपको भी मैसेज आया होगा आपका जो भी नंबर होगा रजिस्टर्ड उस नंबर पे। और जिन जिन लोगों को मैसेज मिला है अपने बैंक के ब्रांच की तरफ से उन्हीं लोगों का नाम है जो लिस्ट में आएगा। जिस तरह से कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि डियर कस्टमर, कैंपेनिंग ऑन किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी लोन इज़ गोइंग ऑन टिल 24/2/2024 PM किसान बेनिफिशरी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर यूको बैंक ब्रांच। तो यहाँ पे जो है आपका जो मेरा बैंक का नाम अलग है और आपका बैंक का नाम अलग होगा। तो ये चीज़ें जो है मुझे आज जो है ब्रांच जाने के बाद पता चला। तब मैंने उनसे पूछा कि सर
अब ये एक हो गया कि मुझे जो मैसेज आएगा तब मुझे पता चलेगा कि मेरा लिस्ट में नाम है, और उसके बाद मैं किस प्रकार से चेक कर पाऊँगा कि अगर मैं घर बैठे चेक करना चाहता हूँ कि हाँ मेरा नाम आया होगा कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि सर एक ही इसमें सिर्फ एक ही यही मेथड है, आपको अगर गया है तो आपका जो है लिस्ट में नाम होगा। तो मैंने बोला कि ये लिस्ट किस प्रकार से निकलता है, तो जब उन्होंने कहा कि आप जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट पे जाइए और जो है वहाँ पे जितना भी जानकारी दिया गया है पीडीएफ को फिर से खोल के पढ़िए। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने चेक किया कि क्या जो बैंक बोल रहा है वो सही है, सच में क्या बैंक मुझे वहाँ पे बैंक में किसी प्रकार का जो है नोटिस आता है या किसी प्रकार का लिस्ट आता है किसानों का। तो मैंने जो है पीडीएफ खोल के पढ़ा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो यहाँ पे मुझे एक इस तरह का कुछ लिख के दिखाई दिया कि बैंक ब्रांचेज ऑफ ऑल बैंक्स आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल पीएम किसान बेनिफिशियरी एंड मैप इट। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी बैंक हैं भारत में उसके सारे ब्रांचों को ये कहा गया है कि एक लिस्ट बनाइए जो भी पीएम किसान बेनिफिशियरी आपके अकाउंट आपके ब्रांच में खुला हुआ है और उन्हें मैप कीजिए पीएम किसान के पोर्टल पे। तो इसी प्रकार से जो है मैप आपका जो है करेगा आपका ब्रांच, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो आपको सबसे पहला करना क्या है कि आपको बैंक ब्रांच में जाना है, वहाँ पे आपको मैनेजर से कुछ नहीं बोलना है, केसीसी के बारे में बातचीत नहीं करना है, वहाँ पे बोलना है कि सर मैं केसीसी के लिए लोन लेना चाहता हूँ, यानी केसीसी लोन लेना चाहता हूँ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से मिल रहा है, तो वो मुझे किस प्रकार से मिलेगा और उसका जो हमारे ब्रांच का लिस्ट है वो मुझे दे दीजिए। तो वो आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आपको क्या करना है आपका नाम चेक कर लेना है। अगर वहाँ पे आपका नाम होता है तो आपको जो है 100% केसीसी लोन दिया जाएगा। तो आपको यही करना है, इसी प्रकार से आपको केसीसी लोन मिल पाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।